हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लगातार मुझे मैसेज प्राप्त हो रहे थे, बट मैं दोस्तों रिप्लाई करने में सक्षम नहीं था क्योंकि मैं किसी जरूरी काम से दोस्तों बाहर गया हुआ था। बट मैं दोस्तों अब आ चुका हूँ। आप सभी जितने भी डाउट है, जितनी भी क्वेरीज है, इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चे लगातार प्रश्न कर रहे हैं सर, कि हमारा एडमिट कार्ड तो जारी हो गया है बट एडमिट कार्ड में दोस्तों सेंटर, सर हमारे एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जिनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं बट एडमिट कार्ड में सेंटर का अता पता नहीं है कि सेंटर कहाँ पड़ा है, किस जगह पर हमें एग्जाम देना जाना है, होम सेंटर या बाहर है, तो ये सारी परेशानी बच्चों के सामने आ रही है दोस्तों। तो ये मैं आप सभी से कह दूँ कि CBSE ने जैसे एडमिट कार्ड दोस्तों जारी किया, इकट्ठा ही जारी किया गया है, तो कुछ टेक्निकल एरर या इश्यूज की वजह से दोस्तों आपका सेंटर का पता नहीं चल पा रहा है। आप अपने एडमिट कार्ड को एक बार दोबारा से डाउनलोड करके देखिए, क्या पता वो जो परेशानी वो सॉल्व हो चुकी है। अगर अभी तक भी आपके एडमिट कार्ड में होम से या जो है सेंटर शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको शाम तक या कल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि CBSE जो है जल्दबाजी में सारा काम करती है। बस वो लोगों को और कोर्ट को दिखाने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि CBSE जो भी काम करती है दबाव में कर रही है। वो अपने मन से कुछ भी काम नहीं करेगी ताकि बच्चों को भला हो सके, वो दबाव में कर रही है। तो दबाव में और अच्छे मन से नहीं किया गया काम दोस्तों हमेशा खराब ही होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है। आज तक शाम तक वेट कर लीजिए, सुबह तक वेट कर लीजिए, हो सकता है जितने भी एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग आपकी परेशानी दोस्तों सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती दोस्तों तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा हमें करना क्या है इसके लिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दूसरा डाउट बच्चों की है कि सर जो रेगुलर बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, री एग्जाम, उनका एडमिट कार्ड कोई जारी नहीं किया गया, उनका अभी तक एडमिट कार्ड शो नहीं आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो दोस्तों जिन बच्चों का रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है वो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है शाम तक आपका रिजल्ट दिखाई देने लग जाए, क्योंकि इस CBSE ने जब इकट्ठा एडमिट कार्ड जारी किया है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो किसी प्रकार के पैनिक में ना आए दोस्तों, ठीक है। अब उन बच्चों का, जिन बच्चों का एग्जाम है रेगुलर वाले बच्चे, उनका एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड हमारा आया है या नहीं आया है। हो सकता है आपका जो एडमिट कार्ड है वो डायरेक्ट स्कूल में जाए, क्योंकि रेगुलर वाले बच्चे उन्हें स्कूल का पता है, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग शाम तक वेट कर लीजिए, हो सकता है CBSE एक नए वेबसाइट या नए पोर्टल को लॉन्च करके आपका एडमिट कार्ड वहां पर जारी कर दे, या जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसी लिंक पर आपका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए दोस्तों। तो ये थोड़ा सा वेट करना है, सब्र रखना, मुझे पता है कि दोस्तों सब्र तो अब होएगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहेगा एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड जल्दी से जारी हो जाने चाहिए। बट अब CBSE ने कोई जल्दबाजी में काम किया है, क्योंकि हमें पता है कि CBSE हर काम जल्दबाजी में करती है और जल्दबाजी में नुकसान बच्चों को होता है, CBSE तो होता नहीं है, उसे बस फरमान जारी करना पड़ता है, तो ये जिसे हम तुगलकी फरमान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो बच्चे लगातार उनके मन में है कि सर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का रिजल्ट कब आएगा, तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चे डिस्प्यूट, जिन्होंने डिस्प्यूट फाइल किया था बट अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, मैंने जैसे आप सभी से कहा था कि CBSE ऑफिस में जाने के बाद CBSE के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन में आप सभी का जो डिस्प्यूट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आप सभी से कहा था कि CBSE ने 3 से 4 दिन कहा बट हमें 1 हफ्ते मानकर चलना चाहिए, क्योंकि CBSE की कथनी और करनी में अंतर है। तो ऐसे में दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है, हो सकता है शाम तक या कल तक जो है CBSE इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट जरूर दे। मैं CBSE से विनती करता हूँ कि जो भी कुछ काम करे वो जल्दी करे, क्योंकि बच्चों के अंदर अब जो बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वो लगातार इसी चीज़ में फंसे रह जाएंगे एडमिट कार्ड के चक्कर में। आपने एडमिट कार्ड जारी किया तो उसमें सेंटर नहीं आ रहा है, आपने एडमिट कार्ड जारी किया तो कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड को रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है जल्दबाजी मत कीजिए, सही से कीजिए ताकि बच्चे आपसे संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाई मन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपसे बच्चों से विनती कर रहा हूँ कि आप किसी प्रकार के पैनिक में ना आए। जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, जैसे कुछ भी कन्फर्मेशन आता है चाहे डिस्प्यूट सेटलमेंट रिजल्ट से संबंधित, तुरंत मैं दोस्तों उसको लेकर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब नहीं, तो मैं दोस्तों आप सभी के सारे डाउट भी लाइव सॉल्व करूँगा, और अगर मुझे दोस्तों चांस मिला तो मैं हो सकता है शाम तक आपके सारे क्वेरीज जो है लाइव सॉल्व कर सकता हूँ और मैं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।